बार बार चरणों मन लाया, धन आपने दर्श कराया, दर्शन पाकर हुआ आनंद, जो चकोर पाए रात में चंद्र। हे ज्ञानी जी अब तो दया करो, जिससे वचन वंश प्रकट हो, जिससे आगे वंश चलाएं, आपके स्वामी विनती गाएं, कहे कबीर सुनो धर्मदास, वंश प्रकट हो दसवें मास, आपके घर होगा अवतार, जीवों के हित आए संसार। धर्मदास मेरे शब्द को सुनना, कहूँ तुम्हें मैं मान के अपना, तुमको दिया भंडार है भारी, वही बतानी बातें सारी। अब जो होगा पुत्र तुम्हारा, वही तो होगा अंश हमारा। धर्मदास कहे शीश झुका कर, हे गुरुदेव कहो समझा कर, कामेंद्री करी मैंने वश में, कैसे अंश जन्मेंगे जग में। कहे कबीर ध्यान से सुनना, तुम दोनों मन से रति करना, पुरुष का नाम पान पर लिख दो, जिससे नौतम अंश जन्म हो। धर्म मेरा संकेत समझना, मेरी बात को ध्यान से सुनना, प्रभु पहचान पान पर लिख दो, वह जाकर आमिन को दे दो। धर्मदास को हुई ये शंका, दृष्टि से कैसे रति प्रसंगा, धर्मदास आमिन को लाया, लाकर गुरु के चरण गिराया, पान पे प्रभु नाम लिख दिया, गर्व की आश से उसने लिया, मन की रति से गर्व जो हुआ, चूड़ामणि ने वास वहां किया, धर्मदास ने परवाना दिया, तब आमन ने प्रणाम है किया। पूरे हो गए जब दस मास, प्रकट हुए चूड़ामणि दास, शरद ऋतु थी अगहन मास था, शुक्ल पक्ष का उत्तम दिन था, नौतम सुरति ने जन्म लिया था, भारी दान धर्म ने किया था, धन्य भाग मेरे घर आए, धर्म खड़े हैं शीश झुकाए, जब मुक्तामणि जग में आए, धर्म के घर पे कबीर सिधाए, मुक्तामणि मुक्ति के स्वरूप, जीवों के लिए धरा ये रूप, अजर छाप यहाँ जग में आए, जीव काल से मुक्त कराए, मुक्तामणि आए संसार, जीवों का होगा निस्तार। कुछ दिन बीत गए जब भाई, सदगुरु ने एक आज्ञा सुनाई, धर्म लो अब सामान मंगाई, विधि से पूर्व चौक में भाई, वंश 42 का करु राज, जिससे होए जीव का काज। धर्मदास ने सब मंगवाया, ज्ञानी आगे सब रखवाया, जो सामान और भी चाहो, मुझको साहिब आप बताओ, आवश्यक सामान मंगाया, विधि से गुरु ने चौक बनाया, बहुत विधि से चौक पुराया, नौतम धर्म को पास बिठाया, पुरुष वचन से तुम यहाँ आए, विधि से जीवों को मुक्त कराए, वंश 42 दिया तुम्हें राज, तुमसे होए जीव के काज, तुमसे वंश 42 होंगे, वे सबका कल्याण करेंगे, उनसे 60 बनेंगी शाखा, शाखाओं की भी हो शाखा, 10,000 प्रशाखा होंगी, वंश के संग निर्वाह करेंगी, उनसे वंश यदि मोह करेंगे, सत्यलोक वे नहीं पाएंगे, तुम्हारे वंश उद्धारक होंगे, शाखा भी वही आचरण करेंगे। हे सुवंश चूड़ामणि तुम, पुरुष अंश नहीं और हो,
अंशनो तम प्रभु के भव सागर प्रकट हुए जरूर हो। पुरुष ने भेजा तुम्हें जीवों को दुखी देखा था जो, उस जीव को यम खाएगा तुम्हें दूसरा समझेगा जो। मेरे शब्द से तुम्हारे वंश होंगे पुरुष के रूप, वंश छाप जो पाएंगे बने हंस वो स्वरूप। सदगुरु कहे धर्म तुम सुन लो, चूड़ा मणि को ज्ञान सौंप दो। पहले तुमको सौंपा जो भाई, चूड़ा मणि को सब दो बताई। ज्ञान हो चूड़ा मणि पूर्ण, देखत काल हो चकनाचूर। आज्ञा सुनत उठे धर्म दास, चूड़ा मणि को बुलाया पास। दिया ज्ञान उनको समझाई, जरा विलंब किया नहीं भाई। दोनों ने गुरु चरणों को छुआ, देखत काल को अति भय हुआ। ज्ञानी जी मन में मुस्काए, चूड़ा मणि को देख हर्षाए। धर्मदास को वचन सुनाया, तुमने भाग्य उत्तम पाया। आपके वंश उद्धारक होंगे, जीवों को भव पार करेंगे। इनके होंगे 42 अंश, प्रथम नौतम मेरा अंश। वचन वंश मेरा वो कहावे, बिंद वंश जो जग में आवे। सार शब्द जो वंश से पाए, वह निर्भय सतलोक को जाए। यम उसका रसता नहीं रोके, चाहे करोड़ों घाट वे ढूंढे। ज्ञान की कहे करोड़ों बात, जपे कबीर चाहे दिन रात। कितना ही ज्ञान कहे बिन सार, बिना वंश सब है बेकार। जो ज्ञानी करता बकवाद, ज्ञान का उससे पूछो स्वाद। भोजन कोटि यतन से बनावे, बिना नमक फीका रह जावे। भोजन जैसा ज्ञान को जानो, वंश की छाप सत्य रस मानो। 14 करोड़ है ज्ञान हमारा, इनसे सत्य शब्द है न्यारा। नभ में 9 लाख तारा गण है, रात में देख सभी प्रसन्न है। होवे दिन सूर्य उग आवे, तारों की ज्योति है छिप जावे। सागर पार जहाज से जावे, ऐसे साधन भव के बतावे। ऐसा ही साधन शब्द हमारा, केवट होगा वंश तुम्हारा। धर्म तुमको है बताया, पुरुष सबका मूल जो। वंश दूजा शब्द दे तो, जाएगा यमपुर में वो। वंश छाप पावे नहीं, और शब्द झूठा गाएगा। मुझको दोष लगाए ना वो, काल के घर जाएगा। छोड़े काग की चाल, शब्द परख के हंस हो। उसे न खाए काल, सार शब्द जो पकड़े रहे। भविष्य कथा प्रारंभ। धर्मदास फिर विनती करता, आपकी मैं बलिहारी जाता। वचन वंश जीवों हित आया, आपने मुझको सभी सुनाया। वचन वंश जो पहचानेगा, दुर्गदानी न उसे रोकेगा। वंश पुरुष का रूप ही जाना, और भावना हृदय माना। नौतन अंश जगत में आए, मैंने ठीक तरह अजमाए। फिर भी संशय मन में आवे, कृपा करो संशय मिट जावे। मुझको प्रभु ने यहाँ भिजवाया, काल ने जग में मुझे फंसाया।